सड़क हादसे में शहीद जवान को खजुराहो एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि सिक्किम के पाकयोंग में हुए सड़क हादसे में शहीद चार जवान में से एक जवान कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के हरदुआ कला गांव का रहने वाला था। प्रदीप पटेल भारतीय सेना में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया, जहां सड़क मार्ग से सेना के वाहन के माध्यम से कटनी के हरदुआ कला गांव ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो एयरपोर्ट पर शहीद प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की देने की घोषणा भी की है। इस दौरान छतरपुर कलेक्टर एवं छतरपुर के विधायक भी मौजूद रहे। को हमारे अपने मध्यप्रदेश के निवासी कटनी जिले के अंदर ग्राम हरदुआ थाना विजय राघवगढ़ के निवासी थे। प्रदीप पटेल भी अपने साथियों के साथ सेना की ड्यूटी में वाहन से जाने के समय लगभग 700 फीट गहरी एक खाई में गिरे। दुर्भाग्य से सभी का देवलोकगमन हुआ। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार की ओर से शोक की घड़ी में इनम श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, और इसीलिए आज मैं स्वयं उपस्थित भी हुआ। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी के अलावा साथ में मणिपुर के डब्ल्यू पीटर हरणाव के गुरुसेव सिंह, तमिलनाडु के सूबेदार के अलापट्टी, ये सभी लोग एक साथ ही थे। दुर्भाग्य से इस घटना में कोई नहीं बचा। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी अपने परिवार के इकलौता बेटा हैं। दोनों बहन की शादी हो चुकी, जो बड़ी बहन है। घर पे सिर्फ माता पिता है, जो छोटी नौकरी भी करते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मध्यप्रदेश के बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है। इस शोक की घड़ी में सेना और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो अपने विभाग से व्यवस्था से जो शासन भारत शासन के माध्यम से होगा वो सब उनको मिलेगा। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 1 करोड़ रुपये की धनराशि उनके माता पिता को दी, क्योंकि उनकी विवाह नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारी पॉलिसी है उस अनुसार हम 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को देते हैं। अगर विवाह हो गया, शादी हो गई, तो माता पिता और पत्नी में बराबरी से उस राशि को बांटते हैं। लेकिन इस प्रकरण में चूँकि शादी नहीं है, तो सारी धनराशि उनके माता पिता को देंगे, और जो बन सके हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भी हैं। व्यक्ति का जाना यह वास्तव में कुछ गलत है। परमात्मा की लीला, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जन्म मृत्यु के क्रम में अपने देश की गली वेदी पर जो शहीद होते हैं उनकी एक अलग भूमिका रहती है, उनके अलग सम्मान के साथ देखा जाता है। दुनिया की सारी सेनाओं में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है, और भारतवर्ष का भी विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति में हम सब अपने इस सर्वोच्च राष्ट्र कार्य के लिए देह समर्पित करते हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं होता है। यद्यपि जाने वाले के परिवार में हम सबको बाकी सबको पीड़ा भी होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में ये संबल भी जरूरी है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और एक बार फिर अपने इस लाडले सपूत की स्मृति में सरकार पूरे परिवार के साथ स्वर्गीय प्रदीप पटेल अमर रहे।